अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद। मौसम हो रहा है, मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है। नहीं करो निशान भाई, ये रहे हम। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक ठाक भाई। अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद जाके आज हमने करना है हैदराबाद को एक्सप्लोर। क्या चीज? स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करनी है, और मैंने इसके लिए बंदा बुला लिया हैदराबाद पे जो हमको सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो फिर आए मेरे साथ भाई। इस गाड़ी में जा रहे हैं इस दफा। ये है किसकी गाड़ी? ड्राइवर कौन है दिखाओ भाई। ड्राइवर भाई फरहान भाई, ये फरहान भाई है ये, और वो हमारे बाबर भाई। दोनों ईद मुबारक तो कह दो मेरे फैन को भाई। हाँ, ईदी लेने आएंगे नी। हमने रास्ते में एक टक शॉप पे रुके हैं और यहाँ से हम कुछ परचेजिंग करेंगे रास्ते के लिए। आपको बताया तो रास्ते में प्यास लगेगी, खाना पीना होगा, पानी का बोतल खाना ले लो, खिला नहीं रहे, पानी की बोतल तो ले लो। अच्छा वो नहीं है, लेमन माल्ट है, लेमन माल्ट है। भाई बहुत सामान दे रहे हैं, लग रहा है मुफ्ते का मिल रहा है, ऐसा समझ रहे हैं लोग। अरे क्या क्या खरीद लिया भाई, लूट गए, इतना सारा सामान खरीद लिया इन लोगों ने। लगता है पूरे रास्ते पर खाते पीते जाएंगे। हैदराबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। अबे गाड़ी लेके भागेंगे नहीं, टेंशन ना लो फरहान भाई, सामान हमारे पास है। पार्टी पूरी शुरू हो गई है। हाँ जी, आज हम माल्ट पियेंगे, माल्ट, लेमन माल्ट। रास्ते वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बेटा। ये क्या हो रहा है भाई? भाई लेमन माल्ट पीना नॉन अल्कोहलिक होती है। हाथ से छुपा क्यों रहे हो? फिर दिखा के तो दियो। ऐसे पी रहा हूं ऐसे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफर तकरीबन आधे मराइल पे पहुंच चुका है। और मौसम बहुत औसम हो रहा है। कैसा मौसम हो रहा है? बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है भाई, मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमें इतना अच्छा मौसम मिल जाएगा कि हमारा सफर जो है, एक तो सफर में आपके जो हम सफर हो उनका भी मिजाज आपके साथ मिलना बड़ा जरूरी है। मैं एक आपको बड़े काम की बताता हूँ। मैंने नेपाल ट्रिप किया था और उसके अंदर हम दो बंदे थे, लेकिन उस सफर में जाके मुझे पता चला कि जरूरी नहीं है कि दो अच्छे बंदों की जो है ना सफर में बने। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपका मिजाज, आपका माइंड जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि सफर में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो आप पे एक दूसरे पे खुल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हम सफर बहुत ख्याल से अच्छा चुने, अच्छा अच्छा चुने, बाकी तो किस्मत है। लॉटरी लग गई तो लग गई, वरना फिर लग गई। ड्राइविंग एक्सपीरियंस यार बड़ा जबरदस्त। हमारा तो असल में ट्रैवल व्लॉगर है हम, तो ड्राइविंग करते रहते हैं, तो बड़ा मजा आता है हाईवे पे, लंबे रूट पे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग एंजॉय करें सफर को, हम एंजॉय कर रहे हैं ड्राइविंग को। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा फरहान भाई, मैं बाहर निकल रहा हूँ से। नहीं करो के तुम एक ही हो हमारे पास। चलो क्या करे, बड़े बड़ा कर रहे तो बात तो माननी पड़ेगी ना यार। मस्ती करेंगे गुस्से के बड़े तेज, पता नहीं यार जंगल में उतार दिया लोगों ने, तो क्या करे, करो नहीं तुम करके देखते हैं यार, ऐसा भी नहीं करेंगे क्या यार। आप हमें सफर पे लेने आए, आप तो काम करते रहेंगे भाई। काम साथ साथ देखिए होना चाहिए ना। हाँ काम रुकना नहीं चाहिए, हमें तो नहीं करने देते आप काम। आप कर लें, किसी हाथ पकड़ा हुआ करें जाए।
उतर जाए गाड़ी से शुरू होगा। अरे नहीं भाई गुस्से में उतार दो उतार दो भाई, कैसे जाऊंगा घर में यार, पैदल जाओ भाई तुम पैदल यार भाई। अच्छा भाई हां जी के भाई, आपको आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी जी जी, आपको अगर हम रास्ते में उतार दें, हां जी, आप कोई ना मिसाल है आपको वाकई में अगर उतार दें तो आप क्या करेंगे? और आप अगर नूरियाबाद क्रॉस कर चुके हैं तो आप हैदराबाद जाएंगे या आप कराची वापस जाएंगे? क्या करेंगे और कैसे जाएंगे ये लोगों को बताएं। मैं हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ है हमारे जानने वाले, वहाँ रुक जाएंगे जाके। हाँ वहाँ से, लेकिन हैदराबाद जाएंगे कैसे भाई? मैं रिक्शा मंगाऊंगा। आपको हमने उतार दिया रास्ते में, आप पैदल जाएगा? पैदल 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 जाएंगे। कोशिश करूंगा कि पैदल ना जाऊं, मगर अगर मजबूरी होगी तो चलना पड़ेगा, अल्लाह ताला ने तो डाला। वो जानने वाले पागल खाने पे तो नहीं रहता। नहीं, हिंदू बंदर भी होगा, हिंदू बंदर देखिए, गौर से देखिए। नहीं नहीं, गौर से देखिए, ये है वो शख्स, ये है वो शख्स, वो शख्स उसका भेड़िया। आप लोग मुझे भाई पटाके तो नहीं लेके जा रहे? गुड्डू बंदर, गुड्डू बंदर वो क्रॉस कर दिया है और हमारा पल्पी ऑरेंज ऑन हो गया। और तो आपके पल्पी ऑरेंज में सेल खत्म हो गए थे? सेल खत्म हो गए थे भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा जो है फरहान भाई को गाड़ी देंगे, हम लोग एंजॉय करते करते। देखो भाई चिप्स वगैरह हम खा रहे हैं है भाई, आहा जूस पी रहे हैं, सफर भी कट रहा है मजेदार। हम दोनों अच्छे लोग हैं ना यार, क्या कट रहे, तुम नहीं कट रहे बस। आगे वाले जो है ना हमसे बुरे बेचैन है, बीच में मुझे भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन शॉट एंजॉय करें ठीक है। आप उड़ाएंगे भाई? हमारे उस्ताद उड़ाएंगे। अच्छा आवर्तार जब ड्राइवर गाड़ी में बैठा हो ना तो मजा नहीं आता, बोरियत होती है, मगर बोरियत होने नहीं थी, बहुत अच्छी गैदरिंग है हमारी। चले फिर, हाँ जी आए, अब हम हैदराबाद को करेंगे एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करेंगे। टूल खत्म ही, दोबारा दूसरा टूल आ गया। ये कौन सा टूल है बावर भाई? जामशोर टूल है। जामशोर है, इधर कितने पैसे लेंगे? 30 रुपए। 30 रुपए तो वो 320 हो। ये बड़ा सीन है भाई। मैं हैदराबाद शहर के अंदर आ गए हैं, मैंने शॉर्टकट ले लिया यहाँ से ना, अब मैं लतीफाबाद जा रहा हूँ अपने कजन के पास ना, इंशाल्लाह वो हमें यहाँ के जो हिडन फूड्स हैं, जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो हमें दिखाएंगे, हम भी एक्सप्लोर करेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा, मगर वो सब होगा अगले व्लॉग में। अभी हम आ गए हैदराबाद, जब तक मैं उनसे मिलवाऊंगा नहीं ये व्लॉग भी नहीं एंड होगा, इसलिए आप जब तक मेरे साथ।
हैदराबाद पहुंच गए थे जैसे कि आपको मैंने बताया। तो अब हमने जिशान भाई को बुला लिया, जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा था। तो जिशान भाई अभी आ रहे हैं, तो वो हमें दिखाएंगे यहाँ पे जो फूड है। उन्होंने कहा था ना जब टाइम निकाल कर आओ यार, हैदराबाद में बहुत कुछ है। तो भाई हम आ गए टाइम निकाल के, अब उनकी बारी है दिखाने की। अभी उनके फ्लैट पर आ गए हम, आते हैं तो उनसे भी मिलवाते हैं। जिशान भाई ये रहे हम, ये रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जिशान भाई, ठीक ठाक हैं भाई? आप, मैंने इनको बताया कि आप हमें दिखाएंगे आज हैदराबाद के सारे हिडन जितने भी फूड स्ट्रीट है ना वो, और बिरयानियाँ सब खिलाने वाले। मैं आपके कहने पे आए हम कि आपने बोला था टाइम निकाल कर आओ, तो इनको हम इसी ब्लॉग में दिखाएंगे या लंबा हो जाएगा ना? नहीं भाई, इधर से स्टार्ट है, मेरी चाय वाय पी लो। नहीं, अब हम ये अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि जिशान भाई हमें कहाँ कहाँ लेके गए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।